हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्मैश ब्लॉग्स। सो सुबह का बज रहा है 8:20 और मैं जा रहा हूँ गोरेगांव, और आज एक काम करवाना है। मेरे फ़ोन नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है, क्योंकि पापा का नंबर था। सो, कभी भी काम आ सकता है। सो, ये काम करवाना है। आज जाऊँगा काम पे से, बीच में से टाइम निकलेगा तो जाऊँगा काम के बीच में टाइम। सो, जाके लिंक करवाता हूँ, देखता हूँ क्या प्रोसेसिंग है, क्या है नहीं है। सो, मिलते हैं आप लोगों से। आज आप लोगों को एक बात बोलना है कि मेरा जो ब्लॉग है, बालिका वधु वाली ब्लॉग, उस वीडियो में 18,000 व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर 18,000 व्यू। आप लोग इतना सारा उस वीडियो को प्यार दिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा, अच्छा अच्छा वीडियो, अगर आप लोगों का प्यार बना रहे। और गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि देखिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूँगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा मैं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए आप लोग। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बालिका वधु वीडियो, कि आप लोग इतना सारा उसको प्यार दिए, इतना सारा उसको व्यू हो गया। और बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। गाइज, मैं मलाट में आया हूँ चाय पीने के लिए, दिखाता हूँ आपको, मिलाता हूँ आप लोगों से चाय जो अंकल बना रहे। और अंकल, ये क्या डालते हो चाय में? अरे वाह। सो, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, अंकल से मैं बहुत पहले से जानता था, कम से कम 8 साल पहले से जानता था मैं अंकल को। और इसमें चाय भी देर डाल दिया ना आपने? हाँ। अभी दूध डालना बाकी है कि दूध डाल दिए? ओके ओके। सो अंकल अभी चाय अभी बना रहे, देखिए ये अदरक, ये अदरक डाल देना। हाँ, लेके जाइए। सो आज चाय, आज कॉफ़ी पीने का मन था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चाय पी लेता हूँ। तो गाइस, चाय बन के तैयार हो चुका है, इनका ये चाय बन के तैयार हो चुका है। अभी इसका टेस्ट करते कैसा है। गाइस, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, कि जो मसाला उन्होंने डाला है तो उस मसाले का टेस्ट आ रहा है, और जो उसमें उन्होंने कौन सा वो पत्ता डाला है मालूम नहीं, लेकिन उसका टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आके ट्राई कीजिए। और ये है मलाड हाईवे से नज़दीक है, रानी छत्ती मार्ग रोड पर ही है, और करीमला कंपाउंड में जस्ट इधर ही चाय का दुकान है, और भारत बैंक के सामने, एग्जैक्ट सामने ही है। तो आप लोग को भी नज़दीक से हो तो अंकल के पास आके चाय पीजिए। और ये कटिंग का कितना है? 10 रुपये का कटिंग है, स्पेशल चाय है। और इनका जो कॉफ़ी भी है वो भी एकदम बेस्ट रहता है, और वो भी 10 रुपये। तो आप लोग यहाँ पे आके चाय पीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो मिलते हैं आप लोगों से गाइस।
इसके बाद चाय का मजा। सो गाइस इधर मैं काम पे आता हूँ, उधर देखिए जेसीबी की खुदाई चालू है, पूरा रोड खोद के रखा है। सो अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। सो अभी बज रहा है 11 बज रहा है। सो सीधा काम पे जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद काम करने के बाद। सो गाइस घर पे आ चुका हूँ मैं अभी, और अभी जुम्मे का नमाज पढ़ूँगा, फिर खाना खा लूँगा। और घर पे पूरी है, सो मैंने दो भाजी लाया है अलग अलग। भाई काम पे बैठा नहीं क्योंकि घर पे भाई ने साफ़ सफाई भी किया है, पूरा साफ़ किया भाई घर पे जब था, और दुकान को भी साफ़ किया है। सो क्योंकि दुकान पे भाई अभी बैठने वाले, सो अगर आपको दिखा तो घर पे कैसे साफ़ सफाई कर दिया। गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और भाई अभी बैठ के खाना खा रहा है, ये देखिए। सो अभी मैं निकलने वाला हूँ, काम पे जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कितने बजे तक काम होगा, 3 से 4, 5, 6 जो भी काम होगा। सो आज किधर बाहर जा नहीं पाऊँगा मैं क्योंकि काम है। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, घड़ी शायद लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, अगर लाइट के नीचे घड़ी है, और मैं अभी काम पे बैठा हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए गाइस मैं काम कर रहा हूँ और पूरा कंपनी खाली है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा है, और यहाँ से भी पूरा अंधेरा हो रहा है। सो काम कर लेता हूँ, अभी दिन भर कुछ था नहीं जो आप लोगों को दिखा पाऊँ, और किधर बाहर जा भी नहीं पाया कि जुम्मा था, सो टाइम नहीं मिला, सीधा काम पे बैठा था, और जिधर बैठा था उधर लाइट भी चली गई थी, तो लाइट वेट करते करते आधा घंटा टाइम निकल गया, फिर उसके बाद काम को पूरा करना पड़ा जब लाइट आया तब। गाइस अभी रात के बज रहा है 11:30, तो देखिए सॉरी 10:30, तो रात के बज रहा है 10:30, और अभी मैं जा रहा हूँ काम पे से घर पे। सो अभी आसिफ भी आएगा, आसिफ को भी छोड़ देता हूँ मैं। सो आपको चांद दिखाता हूँ इसमें से, आधा चांद देखिए, चांद दिख रहा है कितना मस्त। सो आसिफ अभी आ चुका है, और चार्जिंग भी 4% है, इसके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा। चल आसिफ। सो गाइस मैं अभी काम पे से आया, तो अंडा भुर्जी देखा, ये पटनावाड़ी पे ही है। सो खाने का मन किया तो चाचा को बोला कि अंडा भुर्जी और कुछ पाव मतलब भी बना दो, तो देखिए चाचा ने बनाया, ये देखिए अंडा भुर्जी है और 4 पाव हम दोनों अभी खाएंगे। ये चाचा जी है, सो इन्होंने बना के दिया अभी, सो हम लोग खाते फटाफट। सो हम लोग अभी फटाफट से खाते फिर घर पे जाते हैं, खाने का मन कर रहा था बहुत, सो खा लेते हैं अभी। आसिफ भी खाएगा अभी, आसिफ को दिखाता हूँ, आसिफ भी खाने वाला साथ में, आसिफ भी है। सो फटाफट से अंडा भुर्जी खाते पाव के साथ और फिर जाते हैं घर पे। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और वीडियो की एडिटिंग करूँगा, और फिर कुछ नहीं, अभी रोटी और सब्जी मैंने खा लिया था, सिस्टर ने बनाया था, तो 2 रोटी खाया और सब्जी खाया, ज़्यादा खाया नहीं कि बाहर मैंने खाया था। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।